सिनेमा जगत में ट्रेजेडी किंग और द फर्स्ट खान के नाम से मशहूर हुए लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार के निधन से पूरे देशभर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीते कुछ दिनों पहले ही दिलीप कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 98 वर्षीय दिलीप कुमार 7 जुलाई के दिन मुंबई के पीडी हिंदुस्तान हॉस्पिटल में सुबह 7:30 पर अंतिम सांसें लिए थे। जैसे ही ये दुखद खबर आई कि दिलीप कुमार साहब अब हमारे बीच नहीं है, पूरे देश को एक बेहद बड़ा झटका लगा। पूरे देश ने हर दम जगमगाता हुआ सितारा हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन उनकी यादें हैं जो लोगों के दिलों में बसी हुई है, जिन्हें देख कर हर किसी की आंखें नम हो रही है। सभी चाहते थे कि दिलीप कुमार साहब 100 साल से भी ज्यादा जिए, लेकिन डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद दिलीप कुमार इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दिलीप कुमार की पत्नी यानी कि दिग्गज अभिनेत्री सायरा बानो गहरे सदमे में डूबी हुई है, तो वहीं फिल्म इंडस्ट्री के सितारे अपने दुख को जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच देखा जाए तो दिलीप कुमार के गुजर जाने के बाद उनके परिवार से जुड़ी कई बड़ी खबरें भी आ रही हैं। बता दें आपको कि आज हम बात करने जा रहे हैं दिलीप कुमार के पूरे परिवार के बारे में, उनके खानदान के बारे में कि किस तरह से दिलीप कुमार ने भारत में कदम रखा। फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने डेब्यू किया तो वहीं उनके परिवार में आखिर कौन कौन है। दिलीप कुमार ने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे, इन उतार चढ़ाव का सामना किया और हमेशा ही अपनी पत्नी सायरा बानो पर प्यार बरसाते हुए नजर आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हमारी इस रिपोर्ट के जरिए दिलीप कुमार के परिवार के बारे में जानने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। जैसा कि आप जानते हैं कि दिलीप कुमार ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई, लेकिन बात की जाए उनके परिवार के बारे में तो उनके परिवार में आखिरकार कौन कौन है, इस बात से भी आप वाकिफ हैं कि दिलीप कुमार और सायरा बानो के एक भी बच्चा नहीं है। जी हाँ, दिलीप कुमार और सायरा बानो को ये सुख नसीब ही नहीं हुआ, तो वहीं किस तरह से वह परिवार में कई बच्चों के साथ वक्त बिताते थे और अपने बच्चे को लेकर भी वह दर्द छलकाते हुए नजर आए। तो आइए जानते हैं यहाँ पर हमारी इस रिपोर्ट के जरिए सबसे पहले उनके पूरे परिवार के बारे में और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि दिलीप कुमार आखिरकार क्या कहते हुए नजर आए थे अपनी बायोग्राफी में अपने बच्चे के बारे में। देखिए हमारी रिपोर्ट। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को गुजरे हुए 3 दिन हो चुके हैं। बीते 7 जुलाई की सुबह दिलीप कुमार ने मुंबई के पीडी हिंदुस्तान हॉस्पिटल में अंतिम सांसें ली। दिलीप कुमार के निधन से अंदर से बुरी तरह से टूट चुकी हैं उनकी पत्नी सायरा बानो, तो वहीं उनका पूरा परिवार गहरे सदमे में डूबा हुआ है। बता दें आपको दिलीप कुमार के बारे में तो उनके निधन के बाद कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं दिलीप कुमार के परिवार के बारे में। हम आपको बताएंगे हमारी इस रिपोर्ट के जरिए कि दिलीप कुमार के परिवार में कौन कौन है, दिलीप कुमार की जिंदगी के बारे में कि किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे, कई दुखों का उन्होंने सामना किया। 98 वर्ष की उम्र में दिलीप कुमार साहब इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, तो उन्होंने अपने जिंदगी के अंतिम दिनों तक कई उतार चढ़ाव देखे, काफी दर्द झेला। आइए जानते हैं दिलीप कुमार के खानदान के बारे में। वेल, दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिलीप कुमार का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में 11 दिसंबर साल 1922 में हुआ था। जी हाँ, दिलीप कुमार का परिवार पाकिस्तान में रहा करता था। एक मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका असली नाम था यूसुफ खान। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि दिलीप कुमार ने बॉलीवुड में सुपरस्टार बनने के लिए लंबा सफ़र तय किया था। दिलीप कुमार का जन्म लाला गुलाम सरवार और आयशा बेगम के घर हुआ था। जी हाँ, लाला गुलाम सरवार दिलीप कुमार के पिता थे और आयशा बेगम उनकी माँ। फलों के व्यापारी थे दिलीप कुमार के पिता। पेशावर में दिलीप कुमार साहब के पिता के बाग थे।
और इन्हीं फलों को बेचकर वह अपने घर का गुजारा किया करते थे। 12 भाई बहनों में दिलीप कुमार का बचपन बहुत ही तंग हाली में बीता था। जी हाँ, उन्होंने आर्थिक तंगी का सामना किया था क्योंकि घर में लोग ज्यादा थे और कमाने वाले सिर्फ उनके पिता थे। बता दें आपको उनके भाई बहनों के बारे में, तो दिलीप कुमार को मिलाकर उनके 6 भाई थे जिनके नाम कुछ इस तरह थे: नासिर खान, एहसान खान, असलम खान, नूर मोहम्मद और अयूब सरबार। वहीं दिलीप कुमार साहब की 6 बहनें थीं जिनके नाम कुछ इस तरह हैं: फैजिया खान, सकीना खान, फरीजा खान, सईदा खान, अख्तर, आसिफ और ताज खान। इस तरह से दिलीप कुमार के इतने भाई बहन थे। बता दें आपको कि दिलीप कुमार के परिवार ने आर्थिक तंगी का सामना किया, तो वहीं उन्होंने अपने परिवार के कई सदस्यों को भी खो दिया। कहा जाता है कि दिलीप कुमार की मां आयशा बेगम दमे के रोग से पीड़ित थीं और साल 1948 में उनकी मां इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। वहीं महज 2 साल बाद ही 1950 में उनके पिताजी का निधन हो गया। पिता के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी दिलीप कुमार पर आ गई थी। सबसे बड़ी बहन सकीना ने घर गृहस्थी को संभाला। कहा जाता है कि सकीना ने शादी नहीं की थी और उनका आखिरी वक्त अजमेर शरीफ में सेवा करते हुए बीता था। वहीं बीमारी की वजह से दिलीप कुमार के भाई अयूब खान का निधन साल 1954 में हो गया और साल 1991 में उनके भाई नूर मोहम्मद इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। वहीं दिलीप कुमार के भाई नासिर खान की बात की जाए तो वह एक एक्टर के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने भी 2 शादियां की थी। उन्होंने शादी की थी सुरैया और बेगम पारा से, लेकिन बाद में चर्म रोग से वह पीड़ित हो गए और नासिर खान का फिल्मी करियर भी खत्म हो गया और साल 1976 में हार्ट अटैक के चलते अमृतसर में उनका निधन हो गया। बता दें आपको कि दिलीप कुमार साहब के 2 भतीजे हैं जिनका नाम है इमरान और अयूब। वहीं दिलीप कुमार ने जहां इतने लोगों को खो दिया, अपने परिवार के इन सदस्यों को उन्होंने महज कुछ सालों में ही खो दिया, तो वहीं बीते साल ही उनके 2 छोटे भाइयों का निधन हो गया। साल 2020 में सितंबर के महीने में कोरोना वायरस की पहली लहर के बीच उनके दूसरे छोटे भाई एहसान खान इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, जिनकी उम्र थी 92 साल। बता दें आपको कि एहसान खान कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित होने की वजह से मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट थे। वहीं इसके अलावा वह हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर और अल्जाइमर से भी पीड़ित थे। एहसान खान से पहले 21 अगस्त को दिलीप कुमार के एक और छोटे भाई इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दिलीप कुमार के भाई असलम खान के बारे में। 88 साल की उम्र में दिलीप कुमार के भाई असलम खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। असलम खान भी कोविड-19 से पीड़ित थे और उनका इलाज भी मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में चल रहा था। इस तरह से दिलीप कुमार ने अपने परिवार के कई सदस्यों को खो दिया, तो वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो दिलीप कुमार कई गंभीर बीमारियों का शिकार हो चुके थे। दिलीप कुमार साहब कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का शिकार हो चुके थे। जी हां, प्रोस्टेट कैंसर का वह शिकार हुए और ये कैंसर धीरे धीरे उनके शरीर के सभी अंगों में फैलता चला गया। दूसरी ही तरफ दिलीप कुमार के फेफड़ों में पानी भर गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक सामने आया कि दिलीप कुमार साहब के फेफड़ों में जो पानी भर गया था उसे कई बार निकाला जा चुका था। इतना ही नहीं, दिलीप कुमार साहब किडनी की समस्याओं से भी जूझ रहे थे और दिलीप कुमार साहब की किडनी भी फेल हो गई थी। और इस तरह से दिलीप कुमार साहब ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे, काफी दर्द झेला। वहीं दूसरी ही तरफ दिलीप कुमार साहब को नसीब नहीं हुआ पिता बनने का सुख।
जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिलीप कुमार साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शेडो में बताया है कि सायरा बानो का 8वें महीने की प्रेगनेंसी के दौरान मिसकैरेज हो गया। जी हाँ, दिलीप कुमार और सायरा बानो ने अपने बच्चे को खो दिया था साल 1972 में। 1972 में सायरा बानो प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन 8 महीने की प्रेगनेंसी होने पर सायरा बानो का मिसकैरेज हो गया। दरअसल सायरा बानो को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई थी। कहा जाता है कि डॉक्टर भ्रूण को बचाने के लिए वक्त पर सर्जरी नहीं कर पाए और फिर दम घुटने की वजह से उनका बच्चा इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। सायरा बानो अंदर से बुरी तरह से टूट चुकी थी। सायरा बानो उसके बाद कभी मां नहीं बन पाई, लेकिन इसके बाद खबर ये भी फैली कि 1982 में दिलीप कुमार ने दूसरी शादी कर ली। जी हाँ, कहा जाता है कि परिवार के दबाव में आकर उन्होंने एक दूसरी महिला से शादी कर ली, जिनका नाम था अस्मा रहमान। दिलीप कुमार साहब इस खबर से खुद भी हैरान हुए थे। कहा जाता है कि सायरा बानो अंदर से बुरी तरह से टूट चुकी थी। ये भी कहा जा रहा था कि बच्चे की चाह में दिलीप कुमार ने दूसरी शादी कर ली और इस तरह से सायरा बानो और दिलीप कुमार ने अपनी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। लेकिन बात की जाए यहाँ पर दिलीप कुमार और सायरा बानो के बारे में, तो उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि उन्हें कभी भी इस बात का मलाल नहीं है कि उनके बच्चे नहीं हैं। दरअसल दिलीप कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें बच्चे नहीं होने को लेकर कोई मलाल नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि अगर बच्चे होते तो बहुत अच्छा होता। मैं और सायरा अपने अधूरेपन को हमारे एक विशाल परिवार की मदद से दूर कर लेते हैं। दरअसल दिलीप कुमार ने बताया कि मेरा परिवार बहुत ही बड़ा है, जिसमें हमें बहुत सारी खुशियां मिल जाती हैं। दिलीप कुमार ने बताया कि उनके परिवार में कुल 30 बच्चे हैं। उनका परिवार काफ़ी बड़ा है और उन 30 बच्चों के साथ वह भरपूर समय बिताते हैं और उन बच्चों के साथ ही उन्हें काफ़ी खुशी मिलती है। इस तरह से दिलीप कुमार और सायरा बानो का अधूरापन दूर हो जाया करता था। दिलीप कुमार ने यह भी बताया कि अगर हमारा बच्चा होता तो शायद वह भी हमसे दूर चला जाता। जिस तरह से बाकी बच्चे अपने करियर के चलते हमसे दूर जा चुके हैं, उसी तरह से हमारा बच्चा भी कुछ समय के लिए हमसे दूर हो जाता। और इस वजह से दिलीप कुमार कहते हैं कि मुझे कोई मलाल नहीं है कि हमारे कोई बच्चा नहीं है। इस तरह से दिलीप कुमार ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे और कई दुखों का सामना किया। सो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया हमारी इस रिपोर्ट के जरिए दिलीप कुमार के पूरे परिवार के बारे में कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव देखे। वहीं दिलीप कुमार भी अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और उनके परिवार के सदस्य गहरे सदमे में डूबे हुए हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना।